सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 13 वाक्य। आज हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनती है। बच्चों, आप हमने पहले पढ़ा था कि जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक समूह, जो उनके शब्दों को, वर्णों को मिलाकर ही हमारे शब्द बनते हैं। अगर हम वर्णों को मिलाकर बनाते हैं तो शब्द बनते हैं, जैसे क, म, ल, कमल। अब शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे घास गाय है चर रही, तो ये अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या है, हमारे शब्द तो हैं लेकिन इसको हमने सही क्रम में नहीं रखा है। तो जब हम शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाक्य। जैसे गाय घास चर रही है, तो पहला जो हमने बोला था उसमें हमें समझ नहीं आ रहा था, स्पष्ट नहीं था कि हम क्या बोलना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जो क्रमानुसार लिखे होते हैं। देखिए, जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, चित्र है बनाती प्रियंका सुंदर। अब यहाँ पर क्या ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो पा रही है, नहीं, हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। अगर हमें इसको वाक्य बनाना है तो हमें शब्दों को सही क्रम में रखना होगा। जैसे प्रियंका सुंदर चित्र बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द समूह ही वाक्य होता है, ठीक है। जब हम शब्दों को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, सही क्रम में रखते हैं, तो उसको ही हम वाक्य कहते हैं। आइए जानते हैं वाक्य के प्रकार। तो बच्चों, वाक्य के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। पहला है आपका निश्चयवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो लोग बात करते हैं। अब एक व्यक्ति प्रश्न करता है और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देखता है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया, आपका नाम क्या है, तो आपने उत्तर दिया मेरा नाम अनुज है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक। जब जो इस तरह के वाक्य होते हैं इसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक वाक्य, ठीक है। जब हम प्रश्न करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैंने क्या क्या प्रश्न किया, तो हम इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, तुम्हारे पिताजी अभी क्या कर रहे हैं। तो हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो वो होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, और जो उसका जवाब आता है, जो उत्तर देना होता है, तो हम उसको कहते हैं निश्चयवाचक वाक्य। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा आपका है निषेध वाचक वाक्य। जिन वाक्य में या प्रश्नों को पूछने में या उत्तर देने में हम नहीं का प्रयोग करते हैं, नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोनों तरह के वाक्यों को हम नहीं के साथ भी बोल सकते हैं। नहीं वाले वाक्यों को हम निषेधावाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब होता है मना करना, ना करना, ठीक है। जैसे शीला, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। अब देखिए, यहाँ प्रश्न कर रहे हैं और साथ में नहीं भी लगा है, ठीक है। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तो ये क्या हो गया, निषेधवाचक। अब उत्तर देखो, नहीं मेरे पास घड़ी नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्न में भी नहीं है और उत्तर में भी नहीं है, तो हम दोनों में ही निषेधवाचक वाक्य बना सकते हैं। अगला बच्चों हमारा है विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों में हमें खुशी, दुख, हर्ष, ठीक है, घृणा, नफरत, विस्मय, हैरानी, आश्चर्य वाले जो ये भाव होते हैं, ये स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनमें हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक। जैसे देखिए, हम मन के भावों को विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्यों से प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण भी है, जैसे तारीफ करना, हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं, जैसे वाह कितना अच्छा कपड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, वेरी गुड, तारीफ करना। फिर है आपका आश्चर्य प्रकट करना, जैसे वाह कितनी ऊंची इमारत है, और एक कितनी ऊंची बिल्डिंग है, हम बोलते हैं ना, तो आश्चर्य, आश्चर्य में क्या होता है, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये होता है आपका विस्मय, मतलब आश्चर्य, हैरान होना, ठीक है। फिर है आपका दुख प्रकट करना, जब आप कहीं से सुनते हैं ना, बोलते हाय ये क्या हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दुख प्रकट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, हाँ
कि इसमें हमें दुख का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो यह है विस्मय आदिबोधक या विस्मयवाचक। फिर होता है हमारा आज्ञा, आज्ञार्थक वाक्य। हम किसी को ऑर्डर करते हैं, आज्ञा देते हैं, जैसे हम आज्ञावार्थक वाक्य से लोगों को कुछ काम करने के लिए कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लोगों को कुछ काम देते हैं, ऑर्डर करते हैं, बड़ों से काम के लिए विनती करते हैं या काम करने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे रोहित तुम यहाँ आओ, तो ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर सामने वाले को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, ठीक है। पिताजी खाना खाइए, तो हम क्या कह रहे हैं, पिताजी को क्या, खाना खाइए, ठीक है। नीरज तुम स्कूल मत जाओ, तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। माँ आज बाजार मत जाइए, तो हम मम्मी से क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आप बाजार मत जाओ। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे आज्ञार्थक वाक्य, इसमें हम ऑर्डर करते हैं, आज्ञा देते हैं। अगला है बच्चों हमारा इच्छार्थक वाक्य, अर्थात इसमें हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये चाह है। इच्छावार्थक वाक्य से हम आशीर्वाद भी दे सकते हैं, बुरा भला भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखें, जैसे तुम खुश रहो। अब जब कोई हमें नमस्ते करता है, प्रणाम करता है या पैर छूता है, तो बड़े लोग या हम लोग बोलते ना कि तुम सुखी रहो, खुश रहो, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा हो रही है, मतलब हम इच्छार्थक वाक्य बोल रहे हैं कि तुम सुखी रहो, ठीक है। फिर जैसे देखिए ईश्वर तुम्हारा भला करे, हम बोलते हैं ना आशीर्वाद जब देते हैं किसी को, तो हम बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो वो क्या हो रही है कि मतलब हमारी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, अब इसमें क्या है, इसमें गुस्सा है, ठीक है। तो गुस्से में भी हम इच्छा कर रहे हैं, हमारी इच्छा है। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं और आपको कोई बार बार परेशान कर रहा होता है, आप क्या बोलते हो कि चले जाओ यहाँ से, बोलते हैं ना दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तो ये क्या है, ये इच्छा है हमारी कि भाई तुम अभी हमारे सामने मत आओ, हम बहुत गुस्से में हैं, तो तुम हमारी नज़रों से दूर हो जाओ, ठीक है। फिर तुम्हारा सत्यानाश हो, ये श्राप होता है बच्चों, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि 24 घंटे में सरस्वती हमारे जवान पर निवास करती है, तो हमें किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो वाक्य है, ये आप कभी किसी के लिए मत बोलिएगा, कोशिश कीजिए कि कोई किसी के लिए ना बोले ऐसा, ठीक है। तुम्हारा सत्यानाश हो, तो हम जब कभी किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो हम बोल देते हैं गुस्से में कि भाड़ में जा, तेरा सत्यानाश हो, बोलते हैं ना ऐसे, तो वैसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये हमने क्या पढ़े, हमने 6 प्रकार के हमने वाक्य पढ़े। अब चलिए बात बच्चों इनको एक बार दोहराते हैं, ठीक है। पहला है निश्चयवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। निश्चयवाचक में जब हम जवाब देते हैं किसी बात का, जैसे मेरा नाम नीलम है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, ठीक है। फिर है आपका निषेधवाचक वाक्य जिसमें हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, नहीं तुम्हारी कॉपी मेरे पास नहीं है, या नहीं मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हम निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। फिर है विस्मय आदिबोधक वाक्य जिसमें बोलते हैं हाय कितना बड़ा सांप, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विस्मय हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ठीक है। फिर आज्ञार्थक वाक्य जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, अर्थात ऑर्डर देते हैं, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी दिखाओ, या जल्दी जल्दी अपना काम करो, चलो इधर आओ, वहाँ जाओ, कक्षा में बैठो, समय से खाना खाओ, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। फिर आपका इच्छार्थक शब्द हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तो ये क्या है, ये हमारी इच्छा है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो आज हमने ये क्या सीखे, 6 प्रकार के वाक्य सीखे, ठीक है बच्चों, हमने ये 6 प्रकार के वाक्य सीखे। अब हम वाक्य समझते हैं, वाक्यों को समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें एक वाक्य दिया गया है, दीपक स्कूल जा रहा है, ठीक है, दीपक स्कूल जा रहा है। तो हम यहाँ इस वाक्य में किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक जो बालक है वो स्कूल जा रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है, दीपक, ठीक है। तो दीपक जो है वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो बच्चों वाक्य के
दो रूप होते हैं, ठीक है, वाक्य के दो रूप होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य हम किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, अर्थात उस वाक्य का कर्ता, ठीक है। अब इसमें कर्ता कौन है, कार्य कौन कर रहा है, तो यहां पर कार्य दीपक कर रहा है, तो दीपक क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो जब वाक्य में हम जिसकी बात करते हैं, वाक्य में हम जिसकी बात करते हैं उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। जैसे यहां पर जो उद्देश्य है वो कौन है, दीपक है, ठीक है। अब दीपक क्या काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, तो दीपक स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल जाने का काम कर रहा है, तो स्कूल जा रहा है। ये जो आपका वाक्य है ये क्या कहलाता है, विधेय। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वाक्य के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है, दीपक अर्थात कर्ता जो काम कर रहा है, और वो कर्ता क्या काम कर रहा है, तो यहां पर दीपक स्कूल जा रहा है, तो ये हो गया आपका विधेय, ठीक है। इसको और उदाहरण से समझते हैं बच्चों। आप देखिए एक वाक्य है, मेरा भाई सो रहा है, तो इसमें उद्देश्य बताइए क्या है, करेक्ट, मेरा भाई, ठीक है। यहां पर उद्देश्य है मेरा भाई, और विधेय क्या है, हाँ बिल्कुल सही, सो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सभी बच्चे, यहां किन की बात हो रही है, सभी बच्चों की बात हो रही है, सभी बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है। आपका वाक्य है सभी बच्चे खाना खा रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या है, कर्ता कौन है, कौन काम कर रहे हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे काम कर रहे हैं, तो सभी बच्चे क्या हो गया आपका, उद्देश्य। अब वो क्या काम कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, वो खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं ये आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य के दो रूप होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को जो उस वाक्य में काम कर रहा है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय किसे कहते हैं कि वो जो कर्ता है वो क्या काम कर रहा है, तो उस वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसको हम विधेय कहते हैं। अब इसको समझते हैं, वाक्य भाषा की इकाई है, ठीक है, जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। वाक्य हम उसी को कह सकते हैं जिसका हमें पूरी तरह से अर्थ समझ में आए। अगर हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब वो वाक्य नहीं है, ठीक है, और जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो बच्चों आज हमने सीखा वाक्य बनाना, कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार, और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए और अच्छे से कार्य कीजिए। थैंक यू बच्चों।